नमस्कार, स्वागत है आपका सीबीआर झारखंड में। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहरों की खबरों के साथ। शाहीनबाग के प्रदर्शनकारी कल दोपहर 2 बजे मिलने जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह से, लेकिन गृह मंत्रालय सूत्रों ने कहा अभी तक नहीं मांगा है मीटिंग का टाइम। पुलवामा हमले पर कांग्रेस की सियासत जारी, उदित राज ने कहा पुलवामा हमला कराकर बीजेपी ने जीता चुनाव, 2024 से पहले फिर होगा पुलवामा। लेकिन रामलीला मैदान में केजरीवाल सरकार की शपथ कल सुबह 10 बजे 50 मेहमानों में बस के मार्शलों से लेकर सफाई कर्मचारी तक शामिल। शपथ ग्रहण में शिक्षकों के शामिल होने के सर्कुलर पर मनीष सिसोदिया की सफाई, दिल्ली की जनता को बुलाया है, शिक्षकों का भी स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले गिरिराज सिंह, नड्डा ने गिरिराज सिंह को विवादित बयानों से बचने की दी चेतावनी। एमवाई समीकरण से तेजस्वी यादव को लगने लगा है डर, ट्वीट कर सामाजिक समरसता की बात दोहराई, सहयोगियों ने किया समर्थन, एनडीए ने लालू का हवाला देकर कसा तंज। तेजस्वी की बेरोजगारी यात्रा से पहले विवाद, मंत्री नीरज कुमार ने बस पर उठाए सवाल, आरजेडी ने आरोपों को क्या खारिज। लालू यादव को इलाज के लिए भेजा जा सकता है दिल्ली एम्स, रिम्स के डॉक्टर ने दिए संकेत, कोर्ट के आदेश के बाद अंतिम फैसला। रिम्स में लालू यादव से मिले शरद यादव और शत्रुघ्न सिन्हा, स्वास्थ्य का जाना हाल, राजनीतिक हालात पर भी चर्चा। सीएनआरसी और एनपीआर के खिलाफ गांधी मैदान में सर्वदलीय धरना, माजी उपेंद्र कुशवाहा और उदय नारायण चौधरी रहे मौजूद, कांग्रेस और आरजेडी ने प्रदर्शन से बनाई दूरी। सुपौल में सीएनआरसी के खिलाफ आरएलएसपी ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया, पार्टी ने इसे वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इस समय देश के सामने शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। चेन्नई में नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, पत्थरबाजी में महिला ज्वाइंट कमिश्नर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल, हिरासत में लिए प्रदर्शनकारियों को छुड़ाने के लिए कोयम्बटूर में भी विरोध। बेंगलुरु के बिलालबाग में शाहीनबाग के समर्थन में विरोध प्रदर्शन, एक्टर नसीरुद्दीन शाह भी विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे बिलालबाग। जामे और शाहीनबाग में सीए के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, शाहीनबाग में बिरयानी की दावत उड़ाते दिखे अनुराग कश्यप। सीएम हेमंत सोरेन ने रेलवे पर लगाया अनदेखी का आरोप, कहा झारखंड को डंपिंग यार्ड न बनाए विभाग, यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की मांग। सरकार ने 8 मंत्रियों समेत 34 विधायकों को आवंटित हुए नए आवास, सीपी सिंह और सुदेश महतो को खाली करना होगा बंगला, पूर्व मंत्री ने बदले की कार्यवाही का लगाया आरोप। झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर बीजेपी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के दावे को खारिज किया है, निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि गठबंधन से बनी हेमंत सरकार जल्द गिर जाएगी। एमपी कांग्रेस की कला, दिल्ली आकर और बड़ी आंदोलन की धमकी देकर सिंधिया ने बैठक बीच में छोड़ी, कमलनाथ ने भी कहा जो करना है करो। अरवल में धान की खरीदी नहीं होने से किसान मायूस, पैक्स अध्यक्ष ने दिया गोदाम खाली नहीं होने का हवाला, कलेक्ट्रेट ने दिया परेशानी दूर करने का भरोसा। बिहार में 17 फरवरी से हड़ताल पर जाएंगे शिक्षक, 3 सूत्री मांग को लेकर करेंगे हड़ताल, स्कूलों में करेंगे तालाबंदी। वहीं शिक्षकों की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है, वहीं अब पंचायती राज विभाग और नगर विकास और आवास विभाग ने चिट्ठी जारी कर शिक्षकों को चेतावनी दी है। सरकार की चेतावनी के बावजूद नियोजित शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल करने पर अड़े हैं, पटना के फतुहा प्रखंड में शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला। सासाराम में जल जीवन अभियान के तहत अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ, ग्रामीणों ने बीडीओ और सीओ पर हमला कर दिया और उनके साथ बदसुलूकी और मारपीट की। आरा के नवादा चौक में एक किन्नर की पिटाई के बाद बाकी किन्नरों ने किया हंगामा, ठेले पर रखी सब्जियों को नीचे फेंक कर किनारेवासी, जबरन पैसा मांगने पर दुकानदार ने की थी पिटाई, 2100 रूपये लेने के बाद माने किन्नर। छपरा जिले के मंडोरा स्थित बन चीनी मिल की जमीन पर कब्जा जमाए लोगों पर प्रशासन का चला बुलडोजर, प्रशासन ने जेसीबी चलाकर अवैध निर्माण और कई दुकानों को तोड़ा। बेगूसराय में बीए पार्ट 1 में 540 छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से गुस्से में छात्र, जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने एसबीएसएस कॉलेज में प्रदर्शन कर कॉलेज को करवाया बंद। गिरिडीह के सरिया थाना में 3 दिन में 7 लोगों की मौत से कोहराम, देवी प्रखंड के गादीकला गांव में 5 लोगों की गई जान, जहरीली शराब से मौत की आशंका। पंजाब के संगरूर में स्कूल वैन में अचानक आग लग गई, वैन में सवार 4 बच्चे जिंदा जल गए, 8 बच्चों को खेत में काम कर रहे लोगों ने बचाया। गुजरात के भुज में लड़कियों के कपड़े उतरवाकर तलाशी के मामले में एफआईआर दर्ज, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम करेगी जांच, 60 लड़कियों से बदसलूकी का है आरोप।
मुंबई के चेंबूर में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, दोनों तरफ से हुए पत्थरबाजी, 6 लोग घायल, कई गाड़ियों को भी नुकसान, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव, दिन दहाड़े सीएसपी संचालक से 5 लाख रुपए की लूट, सिर में चोट लगने से युवक की मौके पर मौत। मुजफ्फरपुर में नाव पलटने से हुआ हादसा, हादसे में एक बच्चे की डूबने से हुई मौत, घंटों खोजने के बाद मासूम के शव को बरामद किया। गोपालगंज के भुसाव गांव में कुछ लोगों ने महिला को डैन बताकर उसके साथ की बदतमीजी, विरोध करने पर पति को भी जमकर पीटा। सिवान में सस्वन रघुनाथपुर मार्ग पर भागर गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बांका में शव मिलने से इलाके में सनसनी, पुलिस युवक की गला घोट कर की गई हत्या, हथियारों ने हत्या से पहले युवक की आंखों में मिर्च का पाउडर डाला था जिसका पैकेट पुलिस ने जब्त किया। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र के ब्रह्मस्थान में कुएं से एक 12 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। सिवान में दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में बेखौफ अपराधियों ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगटी के पास थाना के प्राइवेट ड्राइवर की अपराधियों ने गला रेत कर की हत्या, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बगा में अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान, देर रात करीब 1 बजे लगी आग, किराना दुकान देखते ही जलकर सुहा। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र के डेटी वार्ड संख्या 8 में अचानक आग लग गई, हादसे में 12 से ज्यादा घर जलकर खाक, आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। खगड़िया में भीषण आग लगने से फूस के 4 घर जलकर राख हो गए, 6 मवेशी भी झुलसे, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विक्रम थाना क्षेत्र के महादलित बस्ती में शराब के नशे में ससुर ने की बहू की पिटाई, जब पीड़िता ने इसकी शिकायत अपने पति से की तो पिता ने अपने पुत्र को भी पीटा। सीतामढ़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके 2 सुपारी किलर को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, अपराधियों पर 1 लाख रुपए के लिए युवक की हत्या का आरोप। नवादा समाहरणालय में नगर थाना पुलिस ने 3 लोगों को शराब पीते हुए गिरफ्तार किया, वहीं मौके से 1.5 लीटर महुआ शराब भी जब्त। सीवान में मैरवा के बबनौली स्थित मदरसे में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, ग्रामीणों का आरोप है कि मदरसे के शिक्षकों के आने जाने का कोई समय नहीं है और न ही पठन पाठन की कोई व्यवस्था है। सीवान में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 96 कार्टन विदेशी शराब समेत 2 शराब तस्कर और 1 पिकअप को जब्त किया है, बरामद शराब की कीमत 10 लाख। लखीसराय में पुलिस ने चेकिंग के दौरान पिकअप वैन और कार से 337 बोतल विदेशी शराब की जब्त किए, मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जामताड़ा के नारायणपुर में तालाब में एक चरवाहे की मिली लाश, लोगों का कहना है कि पैर फिसलने की वजह से हुआ हादसा, फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ इंटरेस्ट फूड प्रोटेक्ट फैक्ट्री में रेड किया, रेड के दौरान भारी मात्रा में डुप्लीकेट सामान बरामद किया गया, यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर की गई। धनबाद में छेड़खानी करने पर एक महिला ने युवक को बुरी तरह से पीटा, पिटाई के बाद महिला ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पलामू के व्यावा न्यायालय में जज और वकील के बीच में जोरदार हंगामा हुआ, वकीलों का आरोप है कि जज अपने समय को लेकर पाबंद नहीं है जिसकी वजह से केस की सुनवाई में देरी होती है। राजस्थान के जयपुर के बस्ती में दिखी हैवानियत की तस्वीर, सरफरे ने सांड को ट्रैक्टर से बांधकर 5 किलोमीटर तक घसीटा, घायल सांड को हिंगोनिया गौशाला पहुंचाया गया। गाजियाबाद में वैलेंटाइन डे पर बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की मां की हत्या, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थी महिला, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। यूपी के प्रयागराज में प्रेम प्रसंग में युवती की गोली मारकर हत्या, बाद में युवक ने भी खुद को गोली मारी, युवक की मौके पर ही मौत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना इलाके में फेंका गया बम, अज्ञात बाइक सवार युवकों ने लोकरगंज इलाके में एक घर में फेंके बम, 10 फरवरी की बताई जा रही है सीसीटीवी फुटेज। गुजरात के कच्छ में नलिया मांडवी मार्ग पर अंडों से भरा टेम्पो पलटा, टेम्पो पलटने से सारे अंडे सड़क पर गिर गए, ड्राइवर के टेम्पो पर से नियंत्रण खो देने की वजह से हादसा। बेगूसराय के बलिया में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर कल गिरिराज सिंह ने मालार्पण किया था, आज उस प्रतिमा को धोकर शुद्ध किया गया, बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा को धोया। प्रतिमा धोने वाले लोगों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नफरत की राजनीति करते हैं और कल बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें अशुभ किया, इसीलिए प्रतिमा को जल से धोया गया।
वहीं प्रतिमा धोनी के मसले पर गिरिराज सिंह ने बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि कम से कम लोगों को इसी बहाने गंगा जल की तो याद आई है और अम्बेडकर की प्रतिमा को प्रणाम किया। मधेपुरा में सदर अस्पताल में आईसीयू भवन में लटका ताला 2010 में करोड़ों की लागत से हुआ था निर्माण, 10 साल से हो रहा संसाधन का इंतजार। शेखपुरा में डीडीसी की अध्यक्षता में अधिकारियों और पुलिस के बीच बैठक हुई। बैठक में 10वीं की परीक्षा में नकल रोकने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। आरजेडी विधायक शिव चंद्रराम की तरफ से रविदास जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी पहुंचे। छपरा में फर्जी पत्रकारों पर अंकुश लगाने के लिए डीएमएसपी से एएनयूजेआई का प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद डीएम और एसपी ने दिए कार्रवाई का आश्वासन। लखीसराय में संग्रहालय निर्माण को स्थानीय ग्रामीणों ने रोक दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि खेल मैदान में नहीं बनने देंगे संग्रहालय। वहीं विरोध बढ़ता देख डीएमएसपी ने दिए जांच के आदेश। कल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का रांची और जमशेदपुर में कार्यक्रम है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। धनबाद में जेएमएम के छात्र विंग झारखंड छात्र मोर्चा की बैठक सर्किट हाउस में हुई। बैठक में छात्र मोर्चा की व्यापक विस्तारीकरण और आगामी छात्र संघ चुनाव को देखते हुए इस पर चर्चा की गई। रामगढ़ में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य डॉक्टर योगेंद्र पासवान ने गैंगरेप की पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और आयोग पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा है। खूंटी में 2 साल से उचित मुआवजे के लिए तरस रहे ग्रामीण। गांव में अधिकारी संघ हुई उच्च स्तरीय बैठक और ग्रामीणों को जल्द मुआवजा देने का दिया गया आश्वासन। लोहरदगा में आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन पहुंचे, जहां उन्हें कोफ ऑफ ऑनर सलामी दी गई। वहीं चीफ जस्टिस परिवार के साथ नेतरहाट की हसीन वादियों का दीदार करेंगे। रांची में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी और उनकी टीम ने अपने परफॉर्मेंस से तहलका मचा दिया। जब सपना ने अपने गीतों पर डांस करना शुरू किया तो पूरा कार्यक्रम स्थल तालियों और वंस मोर की आवाजों से गूंज उठा। रांची में आज से वॉकिंग रेस का आयोजन। राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। ओलंपिक में सीधे क्वालिफाई करने का मौका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे को लेकर हमले का अलर्ट। आतंकी संगठन जैश ने हमले की धमकी दी है। वीडियो जारी कर कहा भारत ने हमले के लिए फिदायीन तैयार। जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के नेता शाह फैसल पर लगा पब्लिक सेफ्टी एक्ट। 14 अगस्त 2019 से गिरफ्तार है शाह फैसल। जम्मू कश्मीर में अब तक 8 नेताओं पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू। भड़काऊ भाषण के आरोपी कफल खान पर एनएसए लगाने पर ओएसी का योगी आदित्यनाथ पर निशाना। कहा सीएम राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा। कर्नाटक के हुबली में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वाले 3 कश्मीरी छात्र गिरफ्तार। हॉस्टल से ले जाते वक्त हिंदू संगठनों ने पीटा 3 पर देशद्रोह का केस। पाकिस्तान ने फिर किया सीज़फ़ायर का उल्लंघन। हीरानगर सेक्टर में की फायरिंग। रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। जम्मू कश्मीर पर तुर्की के बयान पर भारत का एतराज। भारत के आंतरिक मामलों में दखल ना दे तुर्की। भारत में आतंकवाद पाकिस्तान की वजह से है। एयरटेल के बाद वोडाफोन ने भी किया कुछ ही दिन में एजीआर के बकाया पेमेंट का वादा। 1,47,000 करोड़ रुपए जमा करने की कल रात खत्म हो चुकी डेडलाइन। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च। आधार कार्ड से लिंक न होने पर 17 करोड़ से अधिक पैन कार्ड 31 मार्च से काम करना बंद कर देंगे। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1500 से ज्यादा हुई। वुहान शहर को किया गया आइसोलेट। शहर में आने जाने पर लगा है प्रतिबंध। चीन में जानलेवा कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों ने फिट रहने का जज्बा और सकारात्मक कम नहीं हुई। अस्पतालों में इलाज करा रहे अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ग्रुप में कर रहे डांस। चीन में कोरोना वायरस ने वैलेंटाइन डे के कारोबार पर भी भारी असर दिखा है। सरकार के सख्त आदेश के बाद बीजिंग में ही 30-50% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। चीन में कोरोना वायरस से संक्रमित 10 महीने की बच्ची के ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल स्टाफ ने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर एक साथ खड़े होकर किया विदा। चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा तो भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है असर। भारत में दवा, मोबाइल और वाहन हो सकते हैं महंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 73 साल के बुजुर्ग भिखारी ने मंदिर में 8 लाख रुपए दिए दान। भिखारी उसी मंदिर के बाहर मांगता है भीख। गुजरात में शादी के मौके पर पढ़ने की शौकीन बेटी ने पिता से दहेज में मांगी किताबें। पिता ने 2000 से ज्यादा पुस्तकें दहेज में दी। कई भाषाओं की पुस्तकें समेत बाइबल, श्रीमद् भागवत और कुरान भी शामिल।
पंजाब के मानसा के सरकारी स्कूल में बायोमेट्रिक के जरिए लगती स्कूली छात्राओं की अटेंडेंस, पंच लगाते ही परिजनों को मिलता है मैसेज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में हुए टेक्निक्स कार्यक्रम में रोबोट सोफिया को दिखाया गया। बीएचयू छात्रों ने रोबोट सोफिया से बातचीत की। छात्रों ने जवाब देते हुए सोफिया ने कहा कि कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। नोएडा मेट्रो रेल निगम ने मेट्रो में पार्टी करने के लिए निकाली स्कीम। जन्मदिन की पार्टी, शादी से पहले होने वाले कार्यक्रम और दूसरे समारोह के लिए आम जनता करा सकती है मेट्रो बुक। न्यूजीलैंड पुलिस को लापता ब्रिटिश महिला का शव मिला है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद से नहीं मिल रहा था 32 साल की स्टेफनी का कोई सुराग। मैक्सिको में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने नेशनल पैलेस के दरवाजे पर फेंका पेंट। हैती के नाथालय में भीषण आग, जलकर पूरी तरह से हुआ खाक, कोई हताहत नहीं। उसकी मदद से सरिया में चलाए जा रहे सैन्य अभियान की वजह से अब तक 8 लाख लोग हो चुके हैं बेघर। पिछले हफ्ते ही करीब 1,40,000 लोग हुए बेघर। पेरू में सामूहिक विवाह में पहुंचे कई लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर कपल्स ने एक दूसरे को किया कैस। काबुल में मॉडल सलमा हुसैनी को अफगानिस्तान की पहली मिस वैलेंटाइन घोषित किया गया है। लगातार कट्टरपंथियों के चंगल से बाहर निकलता जा रहा है अफगानिस्तान। भारत के पास उसैन बोल्ट से भी तेज रफ्तार। कर्नाटक के श्रीनिवास गोरा को खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली बुलाया है। एसएआई को कहेंगे एथलीट्स ट्रायल के लिए। वैलेंटाइन डे के दिन बढ़िया रही लव आजकल की कमाई। अपने ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। दिशा पाटनी और आदित्य राय कपूर की फिल्म मंगल ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई की है बल्कि दर्शकों से भी काफी इसे पसंद किया जा रहा है। सुपरस्टार विन डीजल की एक और एक्शन फिल्म ब्लडशॉट का हिंदी ट्रेलर रिलीज। भारत में 13 मार्च को रिलीज होने जा रही है ब्लडशॉट फिल्म। बैटमैन के लीड एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन का डार्क नाइट लुक सामने आया है। फिल्म के डायरेक्टर मैट रीव्स ने रॉबर्ट का बैटमैन की ड्रेस में कैमरा टेस्ट वीडियो शेयर किया है।